अपनों का सम्मान सब लोग करते हैं, लेकिन विरोधियों का सम्मान किस प्रकार से किया जाता है ये बात स्वर्गीय मुलायम सिंह जी से ही सीखना चाहिए, जिसने जीवन भर विरोध किया हो और सामने पड़ जाए और कुछ मांग ले तो ना नहीं करते थे। फिर 91 में मैं भाजपा से एमपी बना तो मुझको मिले, उन्होंने कहा कि तुम मेरी गलती से भाजपा के एमपी हो। हम कहना आपकी क्या गलती है, तो कहा अगर मैंने विधान परिषद का टिकट दे दिया होता तो आज आप भाजपा से एमपी ना होते। फिर कहा चलो अच्छा है एमपी हो। और अभी सफाई दंगल में हम लोग आए थे, कंधे पर लेकर के नेताजी को हम लोग घूमे थे, ऐसे महामानव कम पैदा होते। और समय कब खेल खेल जाए कोई ठिकाना नहीं होता, कुछ भी असंभव नहीं है, चाचा भतीजा एक भी हो सकते हैं और ये अच्छा होगा। देखिए शब्द नहीं है, क्योंकि एक सामान्य परिवार में पैदा होना अपने आप में एक गुनाह है, एक गरीब परिवार में पैदा होना अपने आप में गुनाह है। गरीब तो नहीं कह सकते, लेकिन अति साधारण परिवार में पैदा होकर के राजनीतिक क्षेत्र में जिस ऊंचाई पर पहुंचे, और राजनीतिक क्षेत्र के अलावा जिसको ये मिल जाते थे उसका दिल जीत लेते थे, सम्मोहन था। और अपनों का सम्मान सब लोग करते हैं, लेकिन विरोधियों का सम्मान किस प्रकार से किया जाता है ये बात स्वर्गीय मुलायम सिंह जी से ही सीखना चाहिए, कि विरोध जिसने जीवन भर विरोध किया हो और सामने पड़ जाए और कुछ मांग ले तो ना नहीं करते थे। इसलिए ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जो भी कहा जाए वो बहुत कम है। नेताजी के आपके यादगार पल नेताजी के साथ कुछ जुड़े हुए? जैसे मैं पहले एक तरीके से जनता दल में था, और फिर 91 में मैं भाजपा से एमपी बना तो मुझको मिले, उन्होंने कहा कि तुम मेरी गलती से भाजपा के एमपी हो। हम कहना आपकी क्या गलती है, तो कहा अगर मैंने विधान परिषद का टिकट दे दिया होता तो आज आप भाजपा से एमपी ना होते। फिर कहा चलो अच्छा है एमपी हो। और भी बहुत यादें हैं, बहुत राम जन्मभूमि आंदोलन के समय की तमाम यादें हैं, उस समय हम लोग विपक्ष में थे, उस समय की तमाम यादें हैं। और अभी सफाई दंगल में हम लोग आए थे, कंधे पर लेकर के नेताजी को हम लोग घूमे थे, ऐसे महामानव कम पैदा होते हैं। सर क्या लगता है कि नेताजी के जाने के बाद राजनीति में क्या बदलाव होंगे, क्या मतलब दिक्कतें होंगे? देखिए समय बड़ा बलवान होता है और समय विकल्प भी रखता है, और समय कब खेल खेल जाए कोई ठिकाना नहीं होता, कुछ भी असंभव नहीं है, चाचा भतीजा एक भी हो सकते हैं और ये अच्छा होगा।